हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ का मैं डॉक्टर के सी सिन्हा की एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन करेंगे। इसके पहले हमने 4 प्रश्नों का सोल्यूशन कर दिया है। अगर जो नए देखे तो उन सारे वीडियो का लिंक किसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन करना। देखिए हमारा प्रश्न बोल रहा है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है और उनके व्युत्क्रम का सॉरी और उनके गुणनफल 54 है, तो संख्या ज्ञात करिए। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग सोल्यूशन करते हैं। देखिए बोल रहा है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, तो सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन। अब बोल रहा है दो धनात्मक संख्या, तो दो धनात्मक संख्या वो हो क्या सकता है, उसी को हम लोग को तो निकालना है, तो हम लोग को पता नहीं है। इसके लिए लिखेंगे माना कि, और मान लेंगे पहली धनात्मक संख्या बराबर वाई एक्स और दूसरी संख्या धनात्मक संख्या बराबर वाई, ये हम लोग मान लेंगे ठीक है अपने मन से, तभी हमारा एक्स और वाई का मान निकलेगा। आप एक्स के जगह पे कुछ भी मान सकते हैं और वाई के जगह पे कुछ भी मान सकते हैं। अब चलेंगे यहाँ पे प्रश्न से। प्रश्न हमारा बोल रहा है दो धनात्मक संख्या है उनका अंतर 3 है। अंतर मतलब क्या, घटाओ। तो हम लोग धनात्मक संख्या पहली कितना माने x, अब इनका अंतर बोल रहा है तो बीच में घटाओ देंगे, और दूसरी क्या है y है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा हमारा 3। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। अब चलेंगे पुनः, तो पुनः लिखकर फिर यहाँ पे चलेंगे आगे। प्रश्न में बोल रहा है और उनके गुणनफल कितना है 54 है, गुणनफल बोल रहा है ना, तो ये संख्या हमारा एक्स और वाई, गुणनफल मतलब गुना, एक्स इंटू वाई बराबर हमारा कितना हो जाएगा 54 ठीक है, यानी कि एक्स और वाई बराबर हमारा कितना हो जाएगा 54। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा जो होगा समीकरण 2 होगा, ये हमारा होगा समीकरण 2। अब यहाँ पे चलेंगे समीकरण फर्स्ट से सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में देखिए क्या है हमारा x माइनस वाई बराबर है 3, तो यहाँ पे x का जब मान निकालेंगे तो 3, और ये y को इस साइड भेजेंगे तो प्लस में y हो जाएगा, और ये हो गया हमारा समीकरण 3। तो अब देखिए हमारा x का मान यहाँ पे निकल चुका है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख लेंगे, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा कितना है, देखिए x और y बराबर क्या है हमारा 54 है ठीक है। अब x की जगह पे हमको कितना रखना है 3 प्लस y, तो यहाँ पर रख लेंगे 3 प्लस वाई, और इनटू में कितना हमारा वाई है, बराबर में हो जाएगा 54 ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा हो गया गुना में, यानी कि 3 प्लस वाई है वाई के साथ गुना में, तो 3 में वाई से गुना करते 3 वाई, अब वाई यहाँ प्लस है तो प्लस, वाई में वाई से गुना होगा तो वाई स्क्वायर, और फिर यहाँ पे हो गया बराबर में 54। अब इसको एक साइड कर लेते हैं, यानी सजा लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 3 वाई, और ये हो जाएगा माइनस में 54, और इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। अब इसको हमको क्या करना है, गुणनखंड को तोड़ना है, तो 54 को जब तोड़ना, ऐसा तोड़ना कि हमको प्लस 3 आ जाए। 54 को एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 9 6 54, और 9 में से जब 6 जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो क्या करते हैं यहाँ पे, तोड़ लीजिए गुणनखंड में वाई स्क्वायर, और प्लस में 6, प्लस में हमको रखना होगा कितना 9 वाई, और माइनस में रखना होगा कितना 6 वाई माइनस 54, तभी ना गुना होकर आएगा 9 6 54, और 9 में से 6 जाएगा तो 3 आएगा, दोनों में y है तो y कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे 1 y बच जाएगा, प्लस में यहाँ 9 बचेगा, माइनस देखिए दोनों में तो माइनस कॉमन हो गया, 6 इसमें से भी निकलेगा, 6 इसमें से निकला तो 6 निकाल लेते हैं, इसमें बचा y, और यहाँ माइनस जब कॉमन कर लेते हैं यहाँ बचा प्लस, और 9 6 54 होता है तो यहाँ बच गया 9 और इक्वल टू 0। अब देखिए 1 आया y प्लस 9 आया, और 1 आएगा y माइनस 6, गुणनखंड करने आता है ना जी, आना चाहिए बिल्कुल। अब यहाँ पे y बराबर हम लोग माइनस वाले को लेंगे, तो y प्लस 9 इक्वल टू 0 हो गया ये, तो y y का मान निकालेंगे तो आएगा हमारा एक माइनस 9, और y का मान यहाँ पे आ गया देखिए माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यानी कि y बराबर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6। अब बोल रहा है धनात्मक संख्या ना, तो धनात्मक यहाँ पे कितना आया 6 आया, तो y का मान हम लोग कितना लेंगे 6 लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का सॉरी 3 में रखने पर, अब यहाँ पे 3 में रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में रख लीजिए, में रखने पर समीकरण 3 हमारा कितना है देखिए, तो x बराबर है हमारा 3 प्लस y,
तो x बराबर हम लोग को लिखना है 3। अब प्लस में देखिए हम लोग कितना रखना है, प्लस में 6 रखना है, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 9, यानी कि x का मान हमारा कितना आ गया है, 9 आ गया है। ठीक है, तो ये अगर जो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर जो यहाँ पे आप आंसर लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अतः अब हम लोग माने कि पहली धनात्मक संख्या x, तो पहली धनात्मक संख्या हमारा कितना आया है, 9 आया है, और दूसरी दूसरी धनात्मक संख्या हमारा कितना आया है, तो यहाँ पे देखिए दूसरी धनात्मक संख्या यानी कि y बराबर कितना आया, 6। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर कितना आया है, 9, और y बराबर आया हमारा 6। तो यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर, 9 और 6। ठीक है, अगर जो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।